कैसी आयु भोगने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। त्रायुषमित्यस्य नारायण ऋषि रुद्रो देवता उष्णच्छन्दः ऋषभः स्वरः। ओम त्रायुषम जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुषम यद्देवेषु त्रायुषम तन्नो अस्तु त्रायुषम। इस मंत्र में चक्षु सब इंद्रियों में और परमेश्वर सब रचना करने हारों में उत्तम है, ऐसा सब मनुष्यों को समझना चाहिए। और त्रायुषम इस पदवी की चार बार आवृत्ति होने से 300 वर्ष से अधिक 400 वर्ष पर्यंत भी आयु का ग्रहण किया है। इसकी प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करके और अपना पुरुषार्थ करना उचित है। सो प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से जैसे विद्वान लोग विद्या, धर्म और परोपकार के अनुष्ठान से आनंद पूर्वक 300 वर्ष पर्यंत आयु को भोगते हैं, वैसे ही तीन प्रकार के ताप से शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरण, इंद्रिय और प्राण आदि को सुख करने वाले विज्ञान सहित विद्या आयु को हम लोग प्राप्त होकर 300 व 400 वर्ष पर्यंत सुख पूर्वक भोगें। हे जगदीश्वर, आप 300 वर्ष से अधिक की आयु हमें प्रदान करें, शरीर, आत्मा और समाज को आनंद देने वाली 300 वर्ष से अधिक आयु को भी हम लोगों को दीजिए। अब अगले मंत्र में रुद्र शब्द से उपदेश करने वाले के गुणों का उपदेश किया है।